Hi and welcome. Today we'll be taking the third poem of Keeping Quiet, class 12th. The poem is written by Pablo Neruda, बहुत famous poet हुए हैं. Pablo Neruda का introduction इतना काफ़ी है कि he is a Nobel laureate in 1971 for literature. He always writes simple things but always have a meaning. Line by line we'll explain. Now we will count to 12 and we will all keep still. Poet ये कह रहा है कि आप थोड़ी देर के लिए 12 तक count करिए and शांत रहिए. 12 तक count करने का मतलब उसका ये है, you just do nothing. एक जगह focus करिए, still रहिए. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. इस अर्थ पर जितने भी लोग हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, साइन लैंग्वेज भी होती है, वर्बल भी होती है. तो लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, डू नथिंग फॉर अ वाइल, लेट्स नॉट स्टॉप फॉर वन सेकेंड, एक सेकेंड, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड के लिए रुकिए. एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, अपने आर्म्स को, हाथों को ज़्यादा मत हिलाइए. अब आर्म्स को हिलाने से मतलब, आर्म्स का मतलब वेपन्स भी होता है, आर्म्स का मतलब ये भी होता है कि वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग. तो पोएट वॉन्ट की आप, पोएट वॉन्ट्स की आप कुछ भी ना करें कुछ देर के लिए, बिल्कुल स्टिल शांत रहें और अपने हाथों को ना हिलाएं, कोई काम ना करें, वेपन्स ना चलाएं कुछ देर के लिए. तो देखिए क्या होता है, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट. तो कह रहा है कि वेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आयर सेल्फ, इट विल बी एग्जॉटिक. एग्जॉटिक होता है बाहर का, अनफेमिलियर, जिससे हम जानते नहीं, अद्भुत. ये आपके लिए अद्भुत मोमेंट होगा. विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. रश, रश के दो मीनिंग होते हैं. रश मतलब भीड़ भी होता है, रश मीन भागना, भाग दौड़ भी होती है. तो यहाँ पर भाग दौड़ से, विदाउट रश, बिना भाग दौड़ के. विदाउट इंजन्स, इंजन का मतलब मशीन से है, बिना इंजन्स की धड़ शोरगुल से. वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग एक साथ रहें. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक जब हम ऐसा करेंगे तो एक रहस्यमयी चीज़ हमको फील होगी अंदर से, ये वो कहना चाहता है. आगे देखिएगा, फिशरमैन ऑन द कोल्ड सी, फिशरमैन ऑन द कोल्ड सी would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. Fisherman एक बार कोल्ड सी में ना जाए तो किसी व्हेल को हार्म नहीं करेगा, यानी वो अपने लिए कमाने के लिए नहीं जाएगा तो किसी दूसरे को नुकसान नहीं करेगा. तो इट विल बी गुड थिंग, ये अच्छी चीज़ होगी, नहीं होगी. और मैन जो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं उनके हाथ खराब हो जाते हैं, तो अपना हाथ भी हर्ट नहीं करेगा अगर ऐसा आदमी करे कुछ देर के लिए, कुछ ना करे, कुछ ना करते हुए कुछ करे, मतलब ये है. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, दिस वन. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन वॉर्स मतलब इन्वायरमेंट से लड़ते रहते हैं, जो नई नई लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, जो इन्वायरमेंट से लड़ते हैं. वॉर विद गैसेस, जो पॉइजनस गैसेस से लड़ाई करते हैं. वॉर्स विथ फायर्स, जो फायर आर्म्स यानी बंदूक वगैरह से, बॉम्ब से लड़ाई करते हैं. वो थोड़ी देर के लिए रुकें, कोई ये काम ना करें. अगर वो लड़ाई करने के बाद विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, अगर जीत जाएं लेकिन कोई सर्वाइवर ना हो, कोई बचे ना अंत में, तो ऐसी जीत का क्या करना है. हम लोग लड़ेंगे तो आपस में मरेंगे भी, और जब मरेंगे तो फिर ऐसी जीत का क्या करेंगे, सर्वाइवर होके क्या करेंगे जब कोई होगा नहीं. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो कहता है कुछ देर के लिए नए कपड़े पहनो. अब क्लीन क्लोथ्स का मतलब न्यू बिगनिंग भी है, और जो यूनिफॉर्म आर्मी वाले पहनते हैं उसको हटा के, यानी हम लड़ाई से दूर रहें. वुड क्लीन क्लोथ का मतलब ये है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अगर हम साफ कपड़े पहने, कुछ ना करें, काम करेंगे तो गंदे होंगे, लड़ाई में जाएंगे तो गंदे होंगे, तो क्लीन क्लोथ्स. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने ब्रदर्स के साथ, भाइयों के साथ बैठे इन द शेड डूइंग नथिंग, कुछ ना करें और बैठ जाएं. बड़ी अजीब सी बात है, आप लोग फील करते होंगे कि आज की डेट में यही सबसे मुसीबत हो रही है कि आदमी अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाता है.
तो व्हाट आई वांट नॉट बी कंफ्यूज्ड, अब वो कह रहा है राइटर कि मैं क्या चाहता हूँ उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में कि विद टोटल इनएक्टिविटी में बिल्कुल अकर्म इनएक्ट रहने के लिए, अकर्मण्य रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कोई काम ना करो ऐसा नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, लाइफ तो चलने का नाम है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं कहता हूँ कि आप मृत्यु से कोई एसोसिएशन ना करें, ट्रक विद डेथ का मतलब एसोसिएट ना करें, मृत्यु से मौत से दूर रहें। इफ़ वी वर नो नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर आप इफ़ वी वर, अगर हम नहीं सोचें सिंगल माइंडेडली, अपने बारे में ही ना सोचें, अबाउट कीपिंग आर लाइफ्स मूविंग, अपने लाइफ को मूव करना यानी कि डेवलप करना। अब डेवलपमेंट करना मतलब हम हमेशा काम करते हैं ना कि ये मकान कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी, कुछ देर के लिए इसको छोड़ें, लाइफ्स मूविंग का मतलब ये है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर हम थोड़ी देर के लिए कुछ ना करें, परहैप्स यूज साइलेंस, बिल्कुल चुप्पी छा, बिल्कुल एक विशाल शांति चुप्पी छा साध लें, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, जो सैडनेस दिमाग में रहती है ये कैसे होगा वो कैसे होगा, इसको इंटरप्शन मिल सकता है, यानी इसमें रुकावट हो सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, हम कभी भी अपने आप को समझ नहीं पाने की जो चीज़ है हमारे अंदर, और हम मौत से जो डरते हैं उसमें रुकावट आएगी, इंटरप्शन आएगा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद अर्थ हमें सिखा सके। When everything seems dead and later proves to be alive, अर्थ का एक ऐसी चीज़ होती है, अर्थ देखिए, अर्थ बिल्कुल शांत रहती है, पत्थर कहीं पड़ा है पड़ा ही है, कहीं पेड़ कहीं खड़ा है खड़ी है, कई सालों से खड़ा है, मकान कहीं खड़ा है खड़ा ही है, रोड कहीं है वहीं है हमेशा, तो लगता है मृत प्राय सा, लगभग मरा हुआ सा लगता है, डेड लगती है अर्थ, लेकिन अर्थ डेड है क्या? नहीं, यहाँ पे सीजन चेंज होते हैं, ठंड आती है, पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, ऑटम आता है, फिर स्प्रिंग भी आता है, समर भी आता है, तो कभी इनएक्टिव हो जाती है अर्थ, कभी एक्टिव हो जाती है, मतलब चलता रहता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि वी शुड लर्न फ्रॉम अर्थ। नाउ आई विल काउंट टू 12, अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब वो कह रहा है कि मैं 12 तक काउंट करूँगा और आप शांत रहिए और फिर मैं जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो मैसेज देना चाहता है पब्लिक को कि भाई अपने लिए, अपना इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, इस भाग दौड़ी भरी ज़िंदगी से थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, दूर जाओ। ठीक है, अब इसमें मैंने वर्ड मीनिंग लिखा है, देखिए आर्म्स का मतलब आर्म्स भी होता है, हाथ भी होते हैं, वेपन भी होता है, एक्सोटिक अनफेमिलियर, रश, भाग दौड़, क्लीन क्लोथ्स, न्यू बिगनिंग को बोल सकते हैं, विदाउट स्टेन्स क्लोथ भी बोल सकते हैं, ट्रक विद मतलब एसोसिएटेड एसोसिएट